हेलो बच्चों, आज हम अध्याय सौर मंडल के भाग एक पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सौर मंडल के परिचय पे, खगोलीय पिंड पे और सौर मंडल में ग्रहों पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सौर मंडल के परिचय से। बच्चों, आपने देखा होगा कि सूर्य जो है वो दिन में चमकता है और अपनी किरणों से चारों तरफ जो है वो उजाला बिखेरता है, और सूर्यास्त होने के बाद पूरा आसमान जो है वो छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ये सारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते होंगे। बच्चों, इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन आपको चंद्रमा भी दिखाई देता होगा। यह चंद्रमा जो है अलग अलग समय पे अलग अलग आकार का दिखता है। तो बच्चों, जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं, और ये एक महीने में एक बार आता है। बच्चों, 15 दिन के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव आती है, क्योंकि इस समय जो चंद्रमा का काला भाग होता है वो पृथ्वी की तरफ होता है। तो बच्चों, इसे नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहा जाता है। बच्चों, अमावस्या की रात का अवलोकन आप तभी कर सकते हैं जब आसमान जो है वो पूरी तरह साफ हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा सौर मंडल पे जारी रखते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो रात में चमकने वाली जो वस्तुएं दिखती हैं, वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखती? तो जी हाँ, इसका उत्तर ये है कि ये वस्तुएं जो हैं, दिन में सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक जो तेज प्रकाश है उससे ढक जाती हैं। तो क्या आपने सोचा है कि ये जो रात में आपको चमकती हुई चीजें दिखती हैं, इसको कहते क्या हैं? तो बच्चों, इसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा सभी वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। बच्चों, चलिए अब हम बता दें कि जो हमारी पृथ्वी है वो इस खगोलीय पिंड का ही एक भाग है। बच्चों, ये सारे खगोलीय पिंड जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए होते हैं। बच्चों, इनमें से कुछ खगोलीय पिंड जो है वो बड़े आकार के होते हैं और गर्म भी होते हैं, क्योंकि ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है जिससे वो उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सौर मंडल पे जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं खगोलीय पिंड की। तो चलिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि तारा किसे कहते हैं, पर क्या आपको पता है कि तारा भी जो है वो सूर्य के समान ही होता है? अरे, अब तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब तारा सूर्य के समान होता है तो सूर्य तो हमें इतना बड़ा दिखता है और तारा इतना छोटा क्यों? तो बच्चों, तारा हमें इसलिए छोटा दिखता है क्योंकि ये बहुत दूर स्थित होते हैं और हम लोगों की इसकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं हो पाती है। क्योंकि आप तो जानते ही होगी कि कोई भी वस्तु अगर बहुत दूर होती है तो वो छोटी दिखती है। सिंपल एग्जाम्पल, आपने एरोप्लेन को उड़ते हुए तो देखा होगा, वो एरोप्लेन तो कितना बड़ा होता है पर आसमान में वो कितना छोटा दिखता है। उसी प्रकार तारे होते तो बड़े हैं पर दूरी के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। बच्चों, जो इन तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां होती हैं, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं, और बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर या सप्तऋषि कहलाता है।
जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ग्रह को जो है अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं। बच्चों, प्लैनेट जो है ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा सौरमंडल पे जारी रखते हैं। बच्चों, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिला के जो है ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और बच्चों, इस सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम सौर मंडल पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे सूर्य पे। बच्चों, सूर्य जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है और ये सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इसका जो व्यास है पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है और सूर्य के खिंचाव बल के कारण जो सौर मंडल है वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। बच्चों, सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पे हम इसकी अत्यधिक तेज और ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे काफी दूर है। और अगर बात करें इसकी दूरी की तो ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है बच्चों वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये चित्र नासा की सौर गतिविधि वेधशाला द्वारा लिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सौरमंडल पे जारी रखते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं अब ग्रहों की। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बच्चों, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो है एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते जो है दीर्घवृत्ताकार होते हैं और इन्हें कक्षा अर्थात ऑर्बिट कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आंतरिक ग्रह जो है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है और ये ग्रह सूर्य के नजदीक एवं चट्टानों से बना है और बाह्य ग्रह जो है वो बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है और ये गैस से बने होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सौर मंडल पे जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह। बुध ग्रह को अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है। बच्चों, ये जो है सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन ही लगते हैं। बच्चों, मैं आपको ग्रहों के नाम उनके आकार के अकॉर्डिंग याद करने का एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। वो है My very excited mother just showed us nachos, या आप यहाँ पे nuts भी याद कर सकते हैं। My Mercury, very Venus,
एक्साइटेड अर्थ मदर मार्स जस्ट जुपिटर शोड सैटर्न अस यूरेनस एंड नाचोज या नर्स नेपच्यून। तो इससे आप बहुत अच्छे से ग्रहों के नाम बहुत इजीली याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सौर मंडल पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह अर्थात विनस पे। बच्चों, सूर्य के दूरी के अनुसार ये दूसरा ग्रह है और ये आकार के दृष्टिकोण से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। बच्चों, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है क्योंकि ये आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान ही होता है। बच्चों, यह ग्रह सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा सौर मंडल पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह अर्थात मार्स पे। बच्चों, सूर्य के दूरी के अनुसार ये चौथा ग्रह है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पाए जाने वाले धातु आयरन ऑक्साइड के कारण ये ग्रह की जो सतह है वो लाल दिखती है। बच्चों, पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह भी स्थलीय धरातल वाला ग्रह है और मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान ही है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सौरमंडल पे जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह अर्थात जुपिटर की। तो बच्चों, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की दूरी के अनुसार ये पांचवा ग्रह है। बच्चों, सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह है और इनकी संख्या 67 है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा सौर मंडल पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह पे अर्थात सैटर्न पे। बच्चों, शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है क्योंकि इसके चारों ओर चमकीला छल्ला होता है और सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, सौर्य मंडल में बृहस्पति के बाद ये सबसे बड़ा ग्रह है और शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की सौर मंडल के परिचय पे, खगोलीय पिंड पे और सौर मंडल में ग्रहों पे, और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सौर मंडल पे ग्रहों की चर्चा को जारी रखेंगे और सौर मंडल में चंद्रमा, शुद्र ग्रह, उल्का पिंड पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम मानव निर्मित उपग्रह पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।